अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं एक महीने के बाद अब व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, जो कराची जाने के याद है वो हमने बनाए थे व्लॉग्स जाने के लिए, फिर उसके बाद मतलब गैप आ गया था बहुत बड़ा। हादसा ही बहुत बड़ा हो गया हमारे साथ, इतना बड़ा हैंड हुआ है कि हमें एक महीना सिर्फ उससे रिकवर करते हुए लगा है। जब भी वी आर लुकिंग अ बिट नॉर्मल राइट नाउ, वरना अगर उसी वक्त बनाए होते तो शायद हम रो रहे होते। एक महीने से हम रिकवर ही हो रहे हैं और हमने इस बारे में बात नहीं की क्योंकि हमारी खुद भी इतनी बार लड़ाई हो चुकी है। लाख रुपया चला गया, 1,10,000 टू बी एग्जैक्ट, और ये अमाउंट अभी 1,40,000 होने वाली थी, बट शुक्र है उससे हम बच गए। बट हुआ ये था कि कराची जाने से पहले एयरबीएनबी के थ्रू मैंने बुकिंग करवाई, ठीक है। अब हमें मना कर रहा था मैं इसको, नहीं हाँ ठीक है, हमें डर था कि हमने एयरबीएनबी से नहीं करवानी क्योंकि इसमें एडवांस आप सब दे देते हो, राइट। फिर हमने कहा कि नहीं, हम रुक जाते हैं, एयरबीएनबी से नहीं पे करते। फिर मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा हम ऑन द स्पॉट आके बुक करवाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक है, ओके डन हो गया। फिर जब हमारे आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे ना, 2 दिन, तो उससे हमें प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया कि एटलीस्ट आप एडवांस दे दो, थोड़े बहुत अमाउंट तो भेज दो, मैंने इतने दिनों से होल्ड किया हुआ है घर, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर बहुत करते करते मैंने कहा मैं 10,000 दूंगी, कहते नहीं ज्यादा दो, मुझसे 60,000 एडवांस मना किया था कि ना कर। मैं यार असद, मैंने उसको 60,000 एडवांस नहीं दिया था, मैंने उसको 30,000 एडवांस, मैंने कहा था कि 30 भी नहीं देना, मेरे ऊपर करने आया, चलो 30 भी नहीं देना चाहिए था, बट वो जिद कर रहा था ना, मैंने तुमसे कहा था, तुमने कहा था ठीक है। खैर भी मैंने उसको 30,000 एडवांस दे दिया, और वो एडवांस ये था कि अगर वो भाग भी गया तो खैर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना मैं लॉस बर्दाश्त कर सकती थी। अच्छा, अब हमें ये था कि शायद भाग ना जाए 30,000 लेके, बट खैर है, हम लोग जैसे ही पहुंचे वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट में था कि आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। फिर जी उसने कहा, गाड़ी भिजवाई ड्राइवर और एसी के साथ, फिर उसने पहला जो रेड फ्लैग है वो ये, उसने बोला कि कैश निकलवा के लाओ ना। तो हमने कहा कि हम क्यों निकलवा के लाएं, अभी थोड़ी हम जाके घर देखेंगे, फिर देखेंगे क्या सीन है, ठीक है भाई। हम उधर गए, वो उधर घर में पहले से बैठा हुआ, जैसे उसका अपना ही घर है एंड एवरीथिंग, ठीक है। इंप्रेशन दे रहा था, और उधर उसके नौकर भी थे, ये भी थे, वो भी थे, हम तो खुश हो गए, हमने घर देखा, हमें ठीक लगा, ठीक है अच्छी। वो ऐसे टांगे चौड़ी करके बैठा हुआ शॉर्ट्स में खोल के अपने, हाँ, वो ऐसे टांगे चौड़ी करके बैठा हुआ सोफे पे, हमें लगा इसी का ही घर है भाई, चप्पलों में बैठा हुआ है, शॉर्ट्स में बैठा हुआ है, कैजुअल सीन में। मैंने कहा सही है, उधर नौकर भी थे, सारी चीजें, कहते हैं मेरा अपना ही घर है ये वो, तो कहते हैं कि वो मैनेज कर रहा होता है 6-7 प्रॉपर्टीज, तो वो कभी कहाँ होता है कभी कहाँ होता है। हमने कहा ठीक है भाई, मान लिया। फिर अब बात आई जी एडवांस की, उसने कहा एडवांस दें अपना, तो अपने कहा जाहिर ही बात है हम पहुंच गए, अब तो हमने देना है, राइट। फिर हमने जब एडवांस दिया तो सब सही था, तब भी सब सही था, हमारा पहला दिन कराची का बड़ा अच्छा, पता ही नहीं चला ऐसा, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, बहरिया घूम रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं अपना जो भी है, ठीक है। लेकिन अगले दिन ना, जब अगले दिन हमें पता चला, हमने वो एयरबीएनबी की प्रोफाइल खोली तो जी प्रोफाइल ही गायब, और हमारा दिल ऐसे बह गए हमारे। और तब हम लोग गाड़ी में निकले हुए थे, ठीक, उसने ना अब हमें गाड़ी भिजवाई थी कहीं घुमाने के लिए, उसने हमें गाड़ी भिजवाई, उसने कहा आप लोग आए डीएचए वाली साइड पे ना, तो उसने ड्राइवर भिजवाया, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए, फिर हम लोग रास्ते में एयरबीएनबी चेक करे तो उधर उसकी प्रोफाइल गायब ना। अब हमें बड़ी टेंशन हो यार, हमने उस बंदे से पूछा क्या की प्रोफाइल क्यों गायब हुई, तो कहते वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या, उसने ही बोला था ना कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे, पता नहीं कोई ऐसे इनअप्रोप्रिएटली इलीगली कोई कपल आके स्टे कर रहा था, तो उसका कोई इशू बन गया था, तो इस वजह से उसने रिमूव कर दिया, हमने मान ली उसकी बात। खैर एनीवेज, हम लोग रास्ते में थे, हम बड़ी जल्दी मान जाते हैं ना, हम इस्लामाबादी बेचारे कराची वाले तो ऐसे भूखे प्यासे, मुझे तो लगता है कि बहुत ही पैसों के भूखे हैं यार, मतलब वो इतने से पैसों के लिए भी इतना कौन स्कैम करता है, ठीक है। एयरबीएनबी से उसकी प्रोफाइल गायब, वो भी उसने सेव कर ली कह के। फिर उसने हमें, जब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हम लोग लोकेशन पे पहुंचे, तो पता चला जो लोकेशन इसने कही वो तो वो है ही नहीं, हम कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है। अब उसने एक ड्राइवर भी भेजा हुआ, एसी वाला ड्राइवर, अब उसको भी पे हम करें हैं, ये भी नहीं बता, हमें पता चला जी कि भाई ये तो गायब है, ठीक है, इसकी प्रोफाइल भी गायब है, पैसे लेके भाग चुके हैं, ठीक है। और मजे की बात, भागने से पहले ये मुझसे सिक्योरिटी मांग रहा था, जो उसने पहले कहा था कि नहीं है कोई भी सिक्योरिटी। फिर उसको अचानक से ख्याल है कि मुझे कहता है कि यार आप 40,000 मुझे और भेजो सिक्योरिटी के ना, तो मैंने कहा मैं तो नहीं भेज रही, आपने पहले क्यों नहीं कहा, तो वो मैंने उसको नहीं भेजे, उसने बहुत जोर लगाया लेकिन मैंने उसको नहीं भेजे।
तो वो चलो जो उसके पास अमाउंट थी वही लेके भाग गया 1,10,000। ठीक है, ये पहले दिन की बात है, हमें पता दूसरे दिन चला। yeah. हम लोग रोड पे, हमने कहा यार अब कहाँ जाएं? फिर भाई हमारी आपस में इतनी लड़ाई हुई है, मुझे ब्लेम करा, मैं उसको ब्लेम करी। मैंने कहा तूने बोला था कि कर्दे पे, जब वो तुम उसके साथ हंस रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, हैं गप्पे पे। अच्छा एनीवेज, फिर हुआ ये कि हम लोग बहरिया गए, ठीक है, वापस गए बहरिया। हम उधर गए, हमने कहा वो कहाँ है बंदा जिसका घर था ये? कहते कौन बंदा, उसने तो खुद हमें कॉल की थी पूछने के लिए। उसने हमसे एक दिन के लिए रेंट पे लिया था घर, और उसने कहा था कि मेरी फैमिली आके स्टे करेगी, दैट्स इट। वो भी उनसे पहली बार ही मिल रहे थे। हमारे तो कसम से आंखों के आगे अंधेरा आ गया। एक तो कराची 10 साल के बाद मैं गई, मैं उधर किसी को नहीं जानती, और हमारे पैसे पहले देनी बस। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ऐसे थी मैं कि मैं वापस जाऊं आप घर वापस या रहे, क्योंकि पैसे तो अब है नहीं। अब 1,10,000 आपके टोटल अमाउंट में से कम हो जाए, मैं यार मैंने अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की है, ठीक है ना, वो मेरे अपनी सेविंग्स के पैसे थे। कोई ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हो या मेरे अब्बा ने दिए हो तो मैं उड़ा दूँ, ठीक है। इट वॉज माई हार्ट अर्न मनी, इट वॉज माई हार्ट अर्न मनी, ठीक है, और उसमें से 1,10,000 गायब, राइट। अब तो मैंने कहा अब हम किस तरह गुजारा करेंगे यार, उसको पकड़े क्या करें, पैसे तो आएंगे नहीं। हमने एयरबीएनबी पे कंप्लेन की, रिपोर्ट किया, पर उसका भी कोई फायदा नहीं, प्रोफाइल वहां से गायब और पैसे तो रिकवर होते ही नहीं है, ठीक है। बस कट द स्टोरी शॉर्ट, हमारे फिर हम लोग बहरिया से वापस डीएचए गए जहाँ पे उसने हमें भेजा था, ठीक है। फिर हमने उस ड्राइवर को भी पे किया, वो भी मत्थे हो गया हमारे। वो कहते हैं पैसे दो। अब मैंने उसको 7,000 पे कर दिए, 7,000 लेके उसके बनते भी नहीं थे, बट वो फिर भी और भी मांगे जा रहा है। मैंने उसको बोला कि उससे कहो बस और नहीं, हमारे साथ स्कैम हुआ, तुम्हारे सामने की बात है, तुम किस बात के पैसे मांग रहे हो। खैर फिर वो चला गया। बट मतलब दोपहर से, सुबह से शाम हो गई, हम फार हो रहे थे गाड़ी में सामान के साथ। आपको याद है ना, 4-4 सूटकेस वो जो हम लेके गए हैं, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, और हमारी इतना इतना डिप्रेशन, इतना माइंड ऐसे ब्लैंक हुआ, हमने कुछ खाया भी नहीं यार। हमने सोचा था कि हम पहुंच के खाते हैं, हम लोग नाश्ता करके निकले थे, ऑमलेट, दाल चावल, बिरयानी, कहवा। आज हमारी सुबह बस जल्दी जल्दी से हुई है मेरी, और नाश्ता सर्व हो चुका है। अभी तो मैं भैया टाउन में थी ना, तो अब जो है मैं जाऊँगी मेन सिटी डीएचए, तो ऑब्वियसली कराची को सही तरह पहली बार आज देखूंगी। और हम पूरे रास्ते ख्वार होते रहे, हमें कुछ नहीं पता हमने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। उस पुलिस में कंप्लेन कराएं, किसको कंप्लेन कराएं, बिकॉज नोबडी कैन हेल्प यू। बट आपको पता होता है वो अमाउंट रिकवर नहीं हो रही, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन ही कर सकते हो, ठीक है, आप रिपोर्ट कर सकते हो, बट दैट इज़ इट। और वो बंदे इतने मज़े से गायब हो गया पैसे लेके यार, और हम लोग लिटरली सड़क पे ये सोच रहे थे कि अब हम जाके कहाँ रहें। फिर उसके बाद हमें मैरीगोल्ड अकोमोडेशंस ने अकोमोडेट किया। तो बस वहाँ पे मैरीगोल्ड में फिर रहे, और वहाँ पे भी कितना डिप्रेसिंग था यार। हम लोग उधर गए, हम उसको कहानी सुना रहे हैं कि हम लुटपुट के आए हैं, और वो भी हम सुन रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। उसे तो सही हम पे इस्लामाबादियों की स्टैंप लगाई होगी कि ये तो होते ही बर्गर है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो तो बहुत ही कोई भूखा किस्म का स्कैमर था। उनका कहता है, उसको फोन किया, पता कि मैं बलूचिस्तान हूँ। हालांकि ना मैं लाहौर में भी रही हूँ, ठीक है, एयरबीएनबी और ये वो हम लोग करते ही रहे हैं, राइट, बट कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। कराची में इस कदर लोग ऐसे हैं ना, मतलब पैसों के भूखे के वो किसी को छोटे से पैसों का भी फायदा हो ना, तो वो लिटरली अगले को कर दें जो भी उन्होंने करना है यार। तो मैं हालांकि इतनी एक्साइटेड थी, 10 साल के बाद कराची गई थी, बट यार पहली सारी एक्साइटमेंट एक दिन में ही निकल गई। कसम से यार, हम तो इतने डिप्रेस्ड हुए उसके बाद। हमारी आपस में इतनी लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, हमने कहा कि भाई अब हम क्या करें, हैं क्या ही करें फिर। अब मैंने कहा वापस चलते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने अब एयरबीएनबी पे ट्रस्ट नहीं करना, जो भी हो ऑन द स्पॉट जाके घर के पेपर्स देख के आई थिंक बुकिंग करनी चाहिए। घर के पेपर नहीं बट पेमेंट नहीं करनी चाहिए भाई। बट वो हमें घर अपने घर बुला के पेमेंट उसने एडवांस तो दी थी ना, एयरबीएनबी के थ्रू की ना, अगर booking.com के थ्रू की होती या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू की होती तो वो आप सिर्फ बुक करा सकते, जाके आप पैसे दे दें।
और मतलब यार अगर मेरे पास पैसे और ना होते हम क्या करते मुझे बताओ। बस फिर वो तो हमारा सारा रहने का पैसा था, वापसी के रास्ते फिर इतना डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन कि मैं जिन कामों के लिए गई थी वो काम ऐसे बीच में रह गया और मैं सोचती रह गई कि यार मैं क्या करूं। मेरी भी अभी भी आंख ऐसे फ्लिकर कर रही है ये सोच के। और हमें एक महीना लग गया इससे रिकवर करने में, जब भी हम इतने आराम से बात बता रहे हैं, वरना अगर उस टाइम पे बताए होते ना तभी शायद हम लोग चीख रहे होते, तू मैं कर रहे होते, रो रहे होते यार। हम इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे उस टाइम पे। यही हुआ है बस हमारे साथ, हमारी दुर्घटना जो हमारे साथ घटी है, अब क्या ही कर सकते। और जब भी मैं YouTube पे कोई ब्लॉग नहीं बना सकी, हालांकि यार हमने कितना सोचा था कि कराची जाके हम लोग ये ब्लॉग करेंगे वो ब्लॉग करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सके यार, हम लोग लिटरली घूम फिर नहीं सके। तो यार सदका ही सही, अब क्या अब आई नो, लेकिन हमने यार जो प्लान किया हुआ था जहाँ जाने का, घूमने फिरने का और ट्रैवल करने का, हम नहीं कर सके कुछ भी यार, क्योंकि हमारे साथ स्कैम हुआ था, हमें एडजस्ट करना पड़ा। खाते रहे चटनियां, मजाक कर रहे यार, बकवास ना करो, बताओ कि तुम सही तरीके से रहे। अजीब, लेकिन ये कि हमारी जो हमने सोची हुई थी अयाशियां वो थोड़ी कम हमें करनी पड़ेगी, बट एनीवेज गाइस चलें, विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ये वाला थोड़ा सा बहुत ही अफसुर्दा किस्म का व्लॉग था, बाकी आप लोग भी ये सैड ही होता है, ये इस तरह वाला हुलिया सैड ही होता है। एक महीने के बाद हमें महीना लग गया ये बात करने में, तो ऑब्वियसली कोई ज्यादा ही बड़ी चीज हुई थी है ना। खैर गाइस अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जो इंशाल्लाह अच्छा होगा, लाइट हार्टेड होगा, ऐसी टेंशन वाला नहीं होगा। बाकी आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।